हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर का। इसको यूज़ करते हुए मुझे हो गए हैं 4 महीने। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके कनेक्शन लेने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जो मैंने यूज़ किया था, तो आसपास आपके कोई एयरटेल का स्टोर है तो वहाँ पे जाके आप, वो आपसे आईडी प्रूफ मांगेंगे, आईडी प्रूफ की फ़ोटो मांगेंगे और आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे और जो भी प्लान आपको चाहिए होगा वो आपको प्लान समझा देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करके, तो आपको सिर्फ घर आ जाना है। तो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक मैक्सिमम आपके पास कॉल आ जाएगी जो भी एयरटेल के टेक्नीशियन होंगे, और वो आपके पास आके एयरटेल का कनेक्शन लगा देंगे यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप पे या फिर एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करके आप इसमें आप जो प्लान आपको अच्छा लगेगा उस प्लान के अकॉर्डिंग आप उसे परचेज कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास एयरटेल के टेक्नीशियन आ जाएंगे और एयरटेल वाईफाई कनेक्शन लगा देंगे घर पे। तो इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। आप चाहें तो इंस्टॉलेशन चार्जेस वेव ऑफ कर सकते हैं, आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको 3 महीने का प्लान एक साथ लेना पड़ेगा। तो एक प्लान है इसमें 799 रुपीज़ का। इस प्लान को अगर आप खरीदते हैं 3 महीने के लिए तो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एयरटेल वाईफाई कनेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। मैंने अभी तक जियो यूज़ किया है और कॉमवे का यूज़ कर रखा है मैंने, तो अभी तक सबसे बेस्ट मुझे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगा है। इसके कनेक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, और स्पीड अगर आप 499 का प्लान भी लेते हैं तब भी स्पीड आपको अच्छी मिलती है। 4th मंथ है इसका, तो 3 महीने मैंने 799 का प्लान लिया था जिसमें 100 Mbps की स्पीड थी। तो अभी मैंने 3 महीने के बाद, जब वो 3 महीने का प्लान ख़त्म हुआ है उसके बाद मैंने 499 वाला प्लान लगवाया है, तो इसमें स्पीड हो गई है 40 Mbps, लेकिन स्टिल ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी। तो वर्क फ्रॉम होम में विदाउट इंटरप्शन मैं काम कर लेता हूँ, और जैसे मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। ब्राउजिंग, सर्फिंग, यूट्यूब में वीडियोज़ देखने के लिए स्पीड काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते 799 और 499 में। जितना पैसा एक्स्ट्रा ऐड करोगे प्लान में, जितना महंगा प्लान लोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फिर भी 499 के प्लान में स्पीड इतनी भी स्लो नहीं होती, आपको इतना पता नहीं चलेगा। तो राउटर के बारे में हम देख लेते हैं अब। तो राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था, तो मैं टेक्नीशियन से पूछा, एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया का चल रहा था। तो एयरटेल के टेक्नीशियंस आए थे, उनके पास राउटर दूसरे ब्रांड का भी था, एक तो ZTE जो मैंने लगवाया है और एक ये ब्रांड है, ROHS लिखा है इसके पीछे, तो मैंने ZTE का ही लगवाया था। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स, पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON, तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है अभी। अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS, LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल, तो ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का, इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, अगर आप LAN यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 LAN पोर्ट्स दे रखे हैं, तो अगर आप LAN पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे LAN की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन, तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है इसलिए लाइट ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है। काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी वो नहीं करते, लैंडलाइन फ़ोन।
तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन, तो आप साथ में वायर भी होगा, तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई, ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS, तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB, यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको, जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं, सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर तो आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है जो कि कनेक्टेड है, इसका पावर अडैप्टर है, ये इस राउटर का पावर अडैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूंगा राउटर ऑफ हो जाएगा, अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट, तो इसको शायद किसी पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को, वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर, उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है, ये डिवाइस है इस तरीके की, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है ग्लास की तरह, तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है, तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए, यहाँ पे काफ़ी सेफ है, यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे फिर उसके बाद इस येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है फाइबर का। और यहाँ पे इसमें दो एंटेना बना हुआ है जो कि मूवेबल है, इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। और वाईफाई को बंद करने के बाद उसे हम जब ऑन करेंगे तो उसमें हम चेक कर लेते हैं टाइम कितना लगेगा। तो ये मैंने स्विच यहाँ से बंद कर दिया, फिर ऑन कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, तो हम चेक कर लेते हैं कि कितनी देर में इसका वाईफाई राउटर कम्प्लीटली ऑन हो जाता है। अभी तक इंटरनेट की लाइट ऑन नहीं हुई है, 1 मिनट से ऊपर हो चुका है अभी तक, और अभी आप देख रहे हैं वाईफाई और इंटरनेट की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, तो 1.5 मिनट लगते हैं इसको कम्प्लीटली फुली फंक्शन होने में इस राउटर को। अब मैंने जियो में कंपेयर किया था, इसमें टाइम लगता है 3-3.5 मिनट लगते हैं, तो जियो से अभी मच बेटर है ये। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।